today I will teach you maths, and today your topic is add 3-digit number in across way. Add 3-digit number in across way. स्टूडेंट, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एडिशन सिखाया, अप एंड डाउन एंड अक्रॉस वे भी सिखाया, बट वहां पे मैं आपको 2 डिजिट ऐड करना सिखा रही थी। आज मैं आपको 3 डिजिट ऐड करना सिखाऊंगी और वो भी अक्रॉस वे में। अक्रॉस वे का मतलब क्या होता है लुक क्या, जो इस तरह से नंबर लिखे रहे, है ना। और डाउन में भी क्या होता है, 1+2+1 इस तरह से, और अक्रॉस वे में क्या होता है, 2+1=2। और जो इस तरह से होता है उसको हम बोलते हैं डाउन वे। ओके, समझ में आ गया। तो आज हम आपको एडिशन अक्रॉस वे में 3 डिजिट सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, सो रेडी, फर्स्ट एडिशन इज योर 2+1+0। इस तरह से मतलब 3 डिजिट होंगे आपके। ओके, 3 डिजिट होंगे, पहले 1 और 2 डिजिट होते थे, उसके बाद आप उसको ऐड करके आंसर करते थे, आज 3 डिजिट होंगे। ओके, रेडी, सो लुक एट द बोर्ड एंड पिक आउट योर नोटबुक एंड पेंसिल। अगर आपको नोट करना है तो आप नोट करेंगे, अदरवाइज पहले वीडियो को देख लेंगे, अच्छे से चीजों को समझ लेंगे, एडिशन को समझ लेंगे कैसे करना है, उसके बाद हम नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज योर 3+0+1=2। ओके, तो यहां पे आपको आंसर करना होगा 3+0+1। तो ये क्या, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट एंड थर्ड डिजिट, यहां पे 3 डिजिट है और 3 डिजिट को हमें ऐड करना है। ओके, कैसे ऐड करेंगे बोर्ड पे देखेंगे। फर्स्ट डिजिट इज योर 3, फर्स्ट डिजिट इज योर 3, सो ड्रॉ हियर 3 लाइन, 1, 2 एंड 3। ओके, 0 इट मींस नो लाइंस, एंड नेक्स्ट डिजिट इज योर थर्ड डिजिट इज योर 1, सो ड्रॉ हियर 1 लाइन। क्लियर, हियर इज नो लाइन बिकॉज हियर इज नंबर 0, 0 मींस नथिंग, कुछ नहीं, ठीक है। तो ये शो कर रहा है कि यहाँ पे 0 है, तो 0 में हमें कोई लाइंस नहीं ड्रॉ करने हैं, बट डिजिट तो है ना ये, तो हमें ड्रॉ करना लिखना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट डिजिट इज योर 3, सेकंड इज योर 0 एंड थर्ड डिजिट इज योर 1। ओके, फर्स्ट डिजिट 3, सेकंड डिजिट 0 एंड योर थर्ड डिजिट इज 1, देन ड्रॉ लाइंस फॉर ऑल द नंबर्स, ऑल नंबर्स के लिए लाइंस ड्रॉ कर लिए मैंने, करेंगे देन काउंट टुगेदर ऑल लाइंस, 1, 2, 3, हियर इज नो, देन 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे कुछ नहीं ऐड करेंगे, कोई लाइंस नहीं तो कुछ को छोड़ेंगे, स्किप करेंगे, देन 1 लाइन, 3+1 लाइन = 4, योर आंसर इज 4। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, लुक, 2+1+1=2. अब आंसर करेंगे यहां पे। ओके, फर्स्ट इज 2, सो फर्स्ट डिजिट इज योर 2, सो ड्रॉ हियर 2 लाइंस, 1, 2, देन +1, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, देन थर्ड डिजिट इज योर ऑल्सो 1, सो ड्रॉ हियर 1 लाइन। ओके, देन काउंट टुगेदर ऑल लाइंस, 1, 2, 3, 4, योर आंसर इज वंस अगेन 4। तो बहुत इजी है, जैसे आप 2 डिजिट में करते हैं। ओके, जैसे आप 2 डिजिट अक्रॉस वे में करते हैं, मैंने बताया इसके पहले वीडियो में कि अक्रॉस वे में करना बहुत इजी होता है, बिकॉज यहाँ पे आपको लाइंस ऊपर ड्रॉ करने के लिए स्पेस मिल जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक साथ फिर काउंट करने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक नहीं करना पड़ता है, काउंटिंग आपने स्टार्ट कर दी तो काउंट करते चले जाते हैं। और डाउन पे भी क्या होता है, जो 1, 2 आपने यहाँ काउंट करा, फिर
नीचे आना पड़ता है, वहाँ पे आपको क्या होता है काउंटिंग स्किप हो जाती है ना, तो वहाँ आंसर रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं। बट यहाँ पे आपको स्किप नहीं करना है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली काउंट करते चले जाना है, जैसे 1 2 3 4, समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से काउंट करा हमने, एक साथ काउंट करते चले गए, आंसर आ गया मेरा 4। चलिए और क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर 1 + 4 + 0 = 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान देंगे, आपकी बुक से मैंने किया है ये, ओके। सो फर्स्ट डिजिट इज योर 1, सेकंड डिजिट इज योर 4 एंड थर्ड डिजिट इज योर 0। वन सेकेंड 0 वाला मैं करा रही हूँ। सो ड्रॉ द लाइन फॉर नंबर 1, सो ड्रॉ हियर 1 लाइन, देन नेक्स्ट डिजिट इज योर 4, सो ड्रॉ हियर 4 लाइंस, 1 2 3 4। अगर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है देन प्लीज जूम द वीडियो एंड दिस पार्ट में आप वीडियो को जूम करेंगे और यहां से आप चीजों को देखेंगे, ओके। नेक्स्ट डिजिट इज योर 0, सो यहां पे नो लाइंस, 0 मींस नो लाइंस, नथिंग। देन कम टुगेदर ऑल लाइंस, 1 2 3 4 5, योर आंसर इज 5, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 + 2 + 1 = 2, then come to draw the lines for first digit के लिए हम draw lines draw करेंगे। so first digit is your 3, तो कितने lines draw करेंगे, how many lines, 3 lines, 1 2 3, and come to the second number is your 2, so draw here 2 lines, very good, 1 and 2, okay। next then come to the next digit, अगले digit पे आएंगे and next digit is your 1, so draw here 1 line, okay। then come together all lines, 1 2 3 4 5 6, your answer is 6, okay student, clear? Next question is your 5 + 2 + 2 = 2. ओके स्टूडेंट, ऐड दिस नंबर, इसको ऐड करेंगे। फर्स्ट डिजिट इज योर 5, सो ड्रॉ हियर 5 लाइंस फॉर द नंबर 5, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट डिजिट इज योर 2, सो ड्रॉ हियर 2 लाइंस, 1 and 2। एंड नेक्स्ट डिजिट योर 3rd डिजिट, 3rd डिजिट इज योर आल्सो 2, देन ड्रॉ हियर 2 लाइंस, ओके। Then count the all lines together, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, your answer is 9, okay student, look at that, most important thing कि आपको lines draw करते समय बहुत carefully draw करना है, then after counting करते समय addition पे दो चीज का ध्यान रखते हैं। मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ऐड करते समय आपको, जब आप नंबर को रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं, तो वहाँ पे नंबर पहचान के उस नंबर के लिए जब आप लाइंस को ड्रॉ कर रहे होते हैं तब आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कब ध्यान देना है बताइए, नेक्स्ट जब आप सारे नंबर के लिए लाइंस ड्रॉ कर लिए हैं और एक साथ काउंटिंग करनी होती है तब आपको ध्यान देना होता है कि कहीं आप काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप काउंटिंग Bless.
next. Second digit is your 5. So draw here 5 lines. Next digit is your 1. So draw here 1 lines. Okay, straight. Come together all lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Your answer is 8. Clear? Next question. 2 + 7 + 1 is equal to answer. Okay, first is your 2, so draw here 2 lines, 1 and 2. Second digit is your 7, so draw here 7 lines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Next digit is your 1, so draw here 1. Three plus one
plus 1 is equal to Thank you for watching my video. Have a nice day. Bye-bye.